दोस्तों आपको मेरा शाम का नमस्कार, सुबह का नमस्कार और दोपहर का नमस्कार, क्योंकि कभी भी ये वीडियो डल सकता है, इसलिए तीनों समय ध्यान रखने पड़ते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। दोस्तों आज जो विषय लेके आया हूं बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं मनोज शर्मा आपके बीच। आज एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिली। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, जो पार्टी दावा करती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो सेलिब्रिटीज के बीच घूम रहा था, माधुरी दीक्षित, पता नहीं कौन कौन, उद्धव ठाकरे, कपिल देव, फलाने फलाने, ढिमकाने, ये वो, और एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो किसानों के बीच भरी दोपहरी में उनसे वादा कर रहा था, हम आपसे खोखले वायदे नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ आकर ये नहीं बोलूंगा कि 15 लाख रुपए आपके जेब में डाल दूंगा। जो आप मेरे स्टेज से सुनोगे वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैं अगर आप झूठ सुनना चाहते हो तो आप अपना टाइम यहां जाया कर रहे हो। यहां पे चाहे मैं हूं, कमलनाथ जी हो, सिंधिया जी हो, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं और हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं। और हम आपसे अपने मन की बात भी नहीं करेंगे, हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपकी मन की बात की सरकार हम बनाएंगे। तो मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो मैंने कहा, 10 दिन के अंदर आपका किसानों का कर्जा माफ करके मैं गारंटी कर रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। जो आपने पिछले 15 सालों में सहा है, जो आपका अपमान हुआ है, उसके लिए आपको हमें मदद करनी है, आपका कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, आज आप मंडी में जाते हो, आपको चेक मिलता है, फिर आप बैंक में जाते हो और आपसे रिश्वत मांगी जाती है। 15% आपसे शिवराज चौहान जी लेते हैं, उनकी सरकार लेती है। हम आपको डायरेक्ट मंडी में पैसा देंगे सीधा, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते हैं। हम प्रदेश का नक्शा बदलना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ मंडी में पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ उगाया जाता है। यहां पे सोयाबीन, यहां पे लहसुन, कहीं और टमाटर, कहीं आलू, कहीं गन्ना, अफीम। आप आज माल मंडी में बेचते हो, आपको चेक मिलता है, आपके जेब में से 15% लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, और आप अच्छी तरह सुनिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हम किसानों के खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में किसान डायरेक्ट अपना माल, सीधा अपना माल फैक्ट्री में जाके बेचेगा। आपके जेब में से शिवराज जी 1 रुपया नहीं ले पाएगा। और जो फायदा आपकी मेहनत का आपको मिलना चाहिए वो हम आपको देंगे। पूरी मध्य प्रदेश में हम फूड चेन बनाएंगे। आपके खेत को सड़क से शहरों से जोड़ेंगे कि आपका माल सीधा फैक्ट्री में जाए और फैक्ट्री से माल सीधा शहर में बिके और आपके जेब में सीधा पैसा आए। और क्या धिनचाक भीड़ आई थी मंदसौर की रैली में, कमाल था, देखने वाला था। एकदम उस रैली को देखने के बाद लग गया था कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर रही है।
और कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इन लोकसभा चुनाव होंगे। इंदिरा गांधी जी के जमाने के नेता हैं और जिन्होंने अपनी पहचान एक कांग्रेसी के तौर पर बनाई है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब दा संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसको लेकर के कई कांग्रेस नेताओं ने उनके पास कुछ इस तरह से आपत्ति भेजी है। और शरीफ चिदम्बरम जैसे और अधीर रंजन जैसे कई नेता इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय और अपनी अपनी शिकायत उनके पास भेजी है। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है और इस बात से राहुल गांधी भी सहमत हैं, उन्होंने कहा कि था गुजरात की जनसभा में कि वो आरएसएस है, वो कह सकते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी जानता हूं वो भी देश की विचारधारा है तो मुझे उसका भी सम्मान देना पड़ेगा। तो इसी बात में सबको समझ जाना चाहिए था। ओवरऑल ऐसे रिएक्शन बेकार थे जो कांग्रेस पे आपत्ति ला और मीडिया उन पर चलाए, ये चीजें सारी। और इस बीच एक चीज और आई है जो मीडिया में चल रही है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी जो उनकी पुत्री है वो भाजपा से चुनाव लड़ने वाली है, जबकि उन्होंने उसका खंडन किया है। तो भाजपा तो फायदा उठाएगी, भाजपा तो ये भी फायदा उठाएगी कि जब प्रणब दा आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आरएसएस वाले और संघ वाले और भाजपा वाले इस बात को खूब प्रचारित करेंगे राहुल जी के खिलाफ कि देखिए राष्ट्रपति आ गए कांग्रेसी और देखिए उन्होंने तो गद्दार नहीं माना इसको, उन्होंने तो देश के विरोध में नहीं माना आरएसएस को, तो वो एक सर्टिफिकेट चाहते हैं एक कांग्रेसी का। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि चलिए कम से कम कांग्रेस किसी को सर्टिफिकेट देने का तो काम कर रही है कि वो देशद्रोही नहीं है, देशभक्त है। ये जो मैटर है ये वो मैटर है जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो भारत की सीमा के जवानों से जुड़ा हुआ है। भारत की सीमा के जवानों ने एक सरकार के पास मांग भेजी थी कि हमें 8 लाख असॉल्ट राइफलें चाहिए जो दुश्मनों का मुकाबला कर सके, तो मोदी सरकार ने उनको केवल 2.5 लाख असॉल्ट राइफल्स का जो फंड था वो एलोकेट किया। और इसके साथ ही ये बोल दिया गया है कि आज के बाद सेना के सैनिक अपने जूते मोजे तकिए बिस्तर ड्रेस ये सब अपने आप अपने पैसे से खरीदा करेंगे। क्या आप लोग सहमत हैं सरकार के इस फैसले से? अगर सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और इतने कमेंट कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए, अपनी असहमति दर्शाने के लिए उन सैनिकों के साथ जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, जो 70 साल में एक स्पेशल स्टेटस एक जवान को दिया कांग्रेस ने, उसके लिए सारी सुविधाएं देकर के ये भाजपा की सरकार वो मान सम्मान भी उन सैनिकों से छीन लेना चाह रही है कि सैनिक अपनी उन सैलरी में से ड्रेस भी खरीदे, बेल्ट भी खरीदे, जूते भी खरीदे। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही मसाला था और इतनी ही बातें थी जो आपसे करनी थी, इतने ही विषय थे जो आपको उठाने थे। अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।